यादव जी आपसे अलग हुए थे, पता चल रहा है फिर से आपके साथ आने वाले हैं, क्या लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ऐसा खबर तो है, हमको भी कहीं से पता चला है। हाँ। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हाँ। कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सरवन जी, उनको समर्थन कर दे तो अच्छी बात है। नवादा संसदीय क्षेत्र में माहौल कुछ उलट फेर का लग रहा है, तो बात करते हैं। सबसे पहले KDL न्यूज में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। चंदन जी क्या लग रहा है, सूत्रों से पता चल रहा है कि जो आपके से संगठन से अलग हुए थे, सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि वो भी श्रवण कुशवाहा जी के साथ आने वाले हैं, इसमें क्या सच्चाई है? कौन? विनोद यादव जी आपसे अलग हुए थे, पता चल रहा है फिर से आपके साथ आने वाले हैं, क्या लग रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? तो ऐसा खबर तो है, हमको भी कहीं से पता चला है। हाँ। तो भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हाँ। कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार हैं सरवन जी, उनको समर्थन कर दे तो अच्छी बात है। खबर ऐसा चल रहा है। हाँ। अगर समर्थन कर देते हैं। हाँ। तो उनकी भावी विधायक हैं। हाँ। घर का इज्जत घर में रह जाएगा जी। और हम लोगों को अभी तो लड़ना है सामंतवाद से, नरेंद्र मोदी की महंगाई जो इतना कर दिया उससे लड़ना है, उसकी नीतियों से लड़ना है, आपस में लड़ने से तो कोई फायदा है नहीं। हाँ। अभी तेजस्वी जी देखिए लाखों नौकरियां बांटे हैं, इस मुद्दे पर चुनाव है, मोदी बना मुद्दा जी। और इसी पर हम लोग लड़ रहे हैं, तो विनोद जी की भाभी राजद की विधायक हैं। हाँ। तो वो भी तो लालू जी के विचारधारा से हैं जी। और लालूवादियों का यह आह्वान है जी। कि नवादा में नवादा का सांसद नवादा का बेटा बने जी। और सभी वर्ग का इनको साथ मिल रहा है, अब कहीं कुछ मैदान में है नहीं जी। और वो भी फील्ड में घूम रहे होंगे तो उनको फीडबैक पता चल रहा होगा, चाहे सिरदल्ला चले जाइए, रजौली चले जाइए, नारदीगंज चले जाइए, जो RJD का गढ़ माना जाता है वहाँ सरवन कुशवाहा जिंदाबाद, लालटेन छाप जिंदाबाद हो रहा है जी। तो हर जगह तो तेजस्वी का लहर है जी। सरवन कुशवाहा जी का व्यक्तिगत इतना अच्छा विचार है जिससे देखिए नवादा में जो कोरोना काल के टाइम में और जो चल रहा था उस समय वाटर कूलर सदर अस्पताल में लगाएं, स्टेशन रोड में लगाएं, गांधी इंटर विद्यालय के पास लगाएं, नवादा के कई जगहों पर इन्होंने वाटर कूलर का व्यवस्था किया। यहाँ तो गर्म पानी नहीं मिल रहा है नीतीश कुमार के राज में, और इन्होंने ठंडा पानी पिलाने का काम किया जिस समय कुछ नहीं थे। अगर सांसद बनेंगे तो नवादा वासियों हम लोगों का उम्मीद है कि घर का बेटा रहेगा तो जरूर यहाँ का दुख दर्द को समझेगा, गरीबी से उठे हैं, गरीब का दुख दर्द समझेंगे, तो यहाँ का तो अच्छा मौका है। और दूसरे दल के लोग भी इस बार समर्थन करने के लिए देखे, कई लोग सदस्यता लिए हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के कितने लोग आकर के बोले कि नहीं भैया अब हम आपके साथ में हैं, राष्ट्रीय जनता दल बहुत अच्छा काम किया। बताइए भारतीय जनता पार्टी क्या किया, एक भी कुशवाहा समाज को पूरे बिहार में टिकट नहीं दिया, और राष्ट्रीय जनता दल तो दिया ना जी, दो जगह अभी उतार दिया, अभी पूरा चुनावों नहीं हुआ जी। सरवन जी को इतना बड़ा मान सम्मान दिए, MLC लड़ाए, अभी फिर सांसद बनाए, अब की तो जीत इनका निश्चित है जी। यहाँ पर कोई नहीं है टक्कर में, और बस सबसे आगे है सरवन कुशवाहा, और इन्हीं का है हर तरफ जय जयकार हो रहा है, यहाँ से इनका विजय तय है। तो कह रहा है कि समीकरण चेंज होगा, समीकरण चेंज हो गया है, विपक्ष वाला कह रहा है समीकरण कुछ और चेंज होगा। समीकरण यहाँ है कि नौकरी के नाम पर वोट, नौकरी हमारे नेता तेजस्वी यादव दिया। हाँ। पकौड़ा तलने वाला रोजगार नहीं, नौकरी जी। तेजस्वी का नाम नौकरी है। हाँ। और नौकरी का नाम दूसरा नाम तेजस्वी है, तेजस्वी है। शक्ति जी बोले ना सिरदल्ला में। हाँ। बरदाहा में। हाँ। कि नौकरी का नाम तेजस्वी यादव जी, तो नौकरी के नाम पर वोट। अब युवा लोग को निर्णय लेना है कि पकौड़ा तलने वाला का साथ देंगे मोदी जी का, कि नौकरी देने वाला का साथ तेजस्वी जी का साथ देंगे, फैसला आप लोगों के हाथ में है। अब इस बार सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अब अच्छा मौका है, बाहरी भगाइए। अच्छा हम ही कहते हैं सरवन कुशवाहा, ये सरवन कुशवाहा जी मैदान में है। हाँ। इनके विरोध में आया है विवेक ठाकुर। हाँ। विवेक ठाकुर को नवादा का चौहद्दी पता है, पूछिए जा करके, पूछिए कौआ कोल किधर है, बोला हमारा कार्यकर्ता चौहद्दी दिखाएगा, पूरब है कि पश्चिम है उसको ये भी नहीं पता होगा। हाँ। वो मैप देख करके चल रहा होगा। हाँ। सरवन जी आँखियों बंद कर देंगे तो निकल गए क्षेत्र में सवेरे सवेरे। हाँ।
तो ये है श्रवण कुशवाहा, ये घर का बेटा है, एक एक गली, एक एक चौक, एक एक चौराहा, एक एक दुख सुख सब इनको पता है कि किसको क्या कमी है, किस गांव में किस चीज़ का दिक्कत है। तो ये जमीनी नेता है, इनको सांसद हम लोग बनाएंगे, बनाएंगे, तय है, बिल्कुल तय है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे साथ और इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या सर, क्या, सबसे पहले क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम बालेश्वर है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से आप आ गए? हाँ, दिल्ली का समर्थन करने के लिए। समर्थन करने आ गया दिल्ली से। अच्छा, लग रहा है सर समीकरण चेंज होगा, इस बार आप दिल्ली से चल के आए हैं। हालांकि मेरी ड्यूटी संसद में ही है। हाँ, मैं जरूर ड्यूटी। हाँ हाँ, संसद भवन में। और मैं जानता हूँ कि श्रवण कुशवाहा इस बार जीतेंगे, पक्का जीतेंगे, इनको कोई हरा ही नहीं सकता। कोई माइकल लाल, कोई माइकल लाल नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं हरा सकता, इस दावा का कहता हूँ। अच्छा, ऐसा दावा आप कर रहे, क्या आपको विचार धार लगा जब आप नवादा संसदीय क्षेत्र घूमे, तो क्या ऐसा माहौल लगा जो आप दावा कर रहे कि कोई भी इसको हरा नहीं सकता है? दावा इसलिए कर रहे हैं कि विनोद दादा उन्हें खुद अपनी जाति का तोड़ फोड़ कर रहा है, वो सब कुछ उसको करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। भाई साहब बता रहे थे कि सूत्रों से हवाले से पता चला है कि विनोद यादव भी इधर आ रहे हैं। विनोद यादव आ रहे हैं बिल्कुल, उनको आना पड़ेगा, हर हालत में आना पड़ेगा। हाँ, हाँ बिल्कुल आना पड़ेगा, नहीं आएंगे उनको खैर नहीं है, खैर नहीं है, बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम नरेंद्र कुमार सिंह हुआ। नरेंद्र कुमार सिंह जी, आप तो बहुत फेमस हो गए हमारे साथ है। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे इस बार, जैसे बता रहे थे अभी आपके सहयोगी कि इस बार कुछ अलग लग रहा है और सूत्र से पता चला, इसमें कितनी सच्चाई है, थोड़ा अपने मुख से बोलिएगा। सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे चंदन भाई बोल रहे थे कि, और आप पूछ रहे थे समीकरण की बात, तो मैं भाजपा वालों से ये मेरा सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस जीत की दावा आप कर रहे हो, 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में जो हार जीत होती थी, वो बैलेंस वोट बीजेपी के पास कहाँ है? किस वर्ग का, किस समुदाय का? कुशवाहा कोइरी मातो। अरे भैया, कुशवाहा कोइरी अदरखी और मातो तो सब तो इधर चले आए जी। जिनके बदौलत आप कूदते थे, जिनके बदौलत आप लीड करते थे, वो बैलेंस वोट तो रहा नहीं। उसके बाद कुछ लोग जो है अपने अपनौती की भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में कहते हैं पचपौनिया, तो पचपौनिया में किस समुदाय का वोट है? अभी अभी जो है रजक समाज के हमारे मित्र थे, उनको हम जो है नेताजी से परिचय करवाए, उनको जो है गाड़ी डिपुट किया गया और खर्च डिपुट किया गया। वो जाकर के अपने क्षेत्र में जितने भी रजक समाज के तमाम महामंत्री और जिला स्तर के जो है सो अध्यक्ष हैं, वो सारे हमारे मित्र हैं, वो सारे आ गए इधर और अपना जो है सो गली गली घर घर घूम घूम करके सामाजिक समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग वाला जो वोट है उसको गोलबंद करके श्री श्रवण कुशवाहा जी के पक्ष में कर रहे हैं। बात रह गई चंद्रवंशी समाज का, चंद्रवंशी समाज का भाजपा में जो है आँख मूंद के वोटिंग करता करते थे, लेकिन इस बार जो है सो चंद्रवंशी समाज के जितने भी तमाम अर्श लेकर के शीर्ष तक जितने भी सिर है ना नेता हैं, वो सारे नेता जो है श्रवण कुशवाहा जी के घर में और उनके समर्थन में जो है काफिलों के साथ चल रहे हैं। बताइए उसके बाद और किन की बात करते हैं? दादा भूमिहार का गढ़ है, तो भूमिहार किधर है भैया? भूमिहार की बात जहाँ तक है, तो भूमिहार में जो है सो घर का लाल ये गुंजन सिंह कर ही रहा है। देखिए जन सैलाब, कल की बात, परसों की बात है, परसों कोसला में पूरा कोसला के जितना भूमिहार है सब जो है सो घर का बेटा जिंदाबाद कर रहा था। और भूमिहार समुदाय को के संदर्भ में आपका कहना है, मैंने आपके चैनल को पहले भी कह रखा है, ठीक है, कि भूमिहार को ठगने का काम अगर सबसे ज़्यादा कोई राजनीतिक दल का कार्य किया, कोई राजनीतिक दल किया है तो भाजपा किया है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि भूमिहार भी भाजपा का मतलब भारत जलाओ पार्टी नहीं, भाजपा का मतलब भूमिहार जलाओ पार्टी है। भूमिहार जलाओ जी, और कोई भूमिहार हमसे सवाल करे, हाँ, गाली गलौज नहीं, हाँ, ठीक है, तर्कों के आधार पर, लॉजिक के आधार पर और डिबेट करो, हाँ, शुद्ध रूप से, हाँ, मैं साबित कर दूंगा, हाँ, कि भाजपा जो है भूमिहारों के पक्ष में और हितैषी कतई पार्टी नहीं है, कतई पार्टी नहीं। ये तमाम हिंदू समाज को आपस में लड़ा करके नष्ट भ्रष्ट करने का और सेकंड कांग्रेस का ये रोल कर रही है।